हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह चलने वाले हैं जो कि आपको हम दिखाने वाले हैं। और ये हमारे मुकेश भाई जो कि आज राइडिंग ये करेंगे और हमें लेकर चलेंगे। बेहद महत्व रखता है जो कि अपने हिंदू धर्म में बांस हर जगह आपने यूज करने को मिला होगा, जैसे कि जलते हो या कुछ भी, हर जगह बांस काफ़ी महत्व रखता है। ये हमारे जो मुकेश भाई हैं काफ़ी ढीले इंसान हैं यार, जहाँ कहीं भी जगह देखते हैं वहीं बैठ जाते हैं। ये नहीं कि आराम से खड़े होकर चले। भाई साहब, आप इतने बैठते क्यों, पहले इस बात का जवाब दो। आप थक जाता हूँ, बहुत दूर दूर चल के आए, पूरे फॉरेस्ट सिटी में घूम कर आए, थकावट हो जाती है। तो इन लोगों का कहने का मतलब ये है, पूरी इस पार्क में घूमे हैं तो थक चुके हैं, और इसमें थक तो खैर काफ़ी मैं भी गया हूँ, लेकिन फिलहाल गाइस आया हूँ आपके लिए, तो इतनी मेहनत तो बनती है। तो दोस्तों, आपके लिए भी इतना फ़र्ज बनता है कि जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पर कॉमेंट्स करें और लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलता है। तो मैं इस नेशनल बाइकर चैनल पर काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग घूमने की जगह आपके सामने लेकर के आता हूँ। तो गाइज, मैं आपके लिए और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह घूमने की लेके आऊँगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि दोस्तों, इस चैनल को फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये मेरा नहीं, आपका खुद का अपना चैनल है। तो इसी वजह आप इसे शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में, अगर आपने वीडियो अच्छी लगे तो। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता है यार, उसे मत छोड़ना, ज़रूर कर देना। तो गाइस, अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ, तो मेरा मन कर रहा है यार कहीं यहाँ पे रेस्ट ले लें, क्योंकि पैदल चलते चलते यार काफ़ी टाइम हो लिया, थोड़ा बहुत हो तो देखा भी जाए, लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा टाइम हो लिया इधर यार पैदल पैदल चलते चलते, तो थक चुका हूँ। सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत देर बैठें या कुछ, हमें कोई कैंटीन वगैरह मिलेगा तो हम कुछ खाएँगे, तो फिर उसके बाद हम अपने जो भी जैसे भी होगा सारी चीज़ें दिखाएँगे। डेविड जैन जो कि खरगोश तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और भी, और इधर की साइड में जो कि नक्शा है इस पार्क का,
दोस्तों अपनी दिल्ली में तो आज की डेट में मोर कहीं देखने को नहीं मिलते, लेकिन अब हमें यहाँ पे मोर दिखाई दे रहे हैं, और वो भी एक नहीं दो दो मोर हैं, जो कि मोर का जोड़ा है, मोर और मोरनी का। तो हम आपको दिखा रहे हैं जूम करके, जो कि एक मोर ये रहा, ये भाग रहा, और एक इधर की साइड में हम आपने ये दिखा रहे हैं, एक इधर की साइड ये रोड पे हमें देखते के साथ तुरंत भाग गया। तो अब हम इसके अगर पीछे भागेंगे तो ये उड़ जाएगा, तो हम धीमे धीमे चलते हैं। वो आप देख ही सकते हो, ये रहा जो निकल रहा है, एक इधर से रास्ता है और एक इधर से रास्ता है। तो हम सामने से चल रहे हैं, और इधर व्यूज काफ़ी अच्छा है, जो कि फूल वगैरह आप बेहद तरीके से देख सकते हो, काफ़ी बेस्ट लग रहे हैं। हाँ, थको तो बैठने वगैरह का काफ़ी अच्छा हिसाब दे रखा है। ये जो अगर आप अपने बच्चों के साथ में आते हो तो यहाँ पे ये झूले वगैरह दे रखे हैं, तो इधर से हम क्रॉस करके चल रहे हैं। ये झूले का बच्चे आपके फ़न उठा सकते हैं, और काफ़ी बेहतरीन। ये मुकेश भाई, इस वाले पे चढ़ के झूलो, इस वाले पे। ये हमारे साथ में मुकेश भाई, ये स्लिप मारते हुए नीचे आए। तो चलिए, ये चरखी झूला लो लो, चलो बैठो। तो यहाँ अधिकतर यही काम होता है, तो आप समझ ही गए हो कि ये पार्क किस लिए बेस्ट है और किस चीज़ पर ये बढ़िया पार्क माना गया है। ओनली फोर्स का पल्स। ये जुगनू पथ है, और हम आगे चल रहे हैं, आगे जो झील मिलेगी, देख रहे होगे आप किस तरीके से चुपके पड़े, ना कोई शर्म ना कोई लिया, और सामने भी वो जो बैठे पड़े। यदि अगर आप अपने बच्चों को लेकर के आते हो तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग झूले हैं, जो कि ये झाज वाला है, और भी ये दिखाई दे रहे हैं, ये नाव वाले भी झूले हैं, झूले तो काफ़ी हैं इधर, काफ़ी सारे दिखाई दे रहे होंगे आपने। ये बच्चों को खैर काफ़ी इंटरटेनमेंट आप करा सकते हो इधर, अगर आप अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो हमेशा खुशी रहेंगे तुम्हारे बच्चे।
ठीक और वो भी है झूले वाले से टिकट तो पूछ ले टिकट कितने का। इन झूले के टिकट ये भाई काटते हैं भैया कितने कितने रुपए टिकट काटते हो कौन से झूले के? एरोप्लेन का 40 है। अच्छा 40 है। टेन का भी 40 है। हाँ मिकी माउस 40 है। अच्छा बुल राइड 60। और कौन कौन से झूले? बस यही झूले और भी अपने पास में? नहीं बस यही है। बस यही झूले हैं भैया के पास में। अगर आप अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो यहाँ पे झूला झूला सकते हो और टिकट के रेट आपने पता लग गया। बाकी मैं एक स्क्रीनशॉट लेकर के इनों के बोर्ड का आपको दे दूंगा जो कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि किस चीज़ का कितना रुपये टिकट है। वहाँ से लो मैन से ये इधर बोट राइडिंग कर सकते हो। इधर बोट है ये काफ़ी सारी बट अभी हम आपको बताएंगे कि टिकट कितने रुपये है कितने नहीं है। और भी इधर आके आप काफ़ी मज़े ले सकते हो इस पार्क में। काफ़ी बेहतरीन है, इंजॉय तो आपको फुल मिलेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्क है और इस पार्क में काफ़ी अच्छा व्यू है देखने को। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो कि ये आपको बोट राइडिंग भी करने को मिलेगी और इधर हॉर्स राइडिंग भी है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बना करके लेके आता हूँ। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार दो गाइस। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।